भी रोहित शर्मा को खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल में भारतीय टीम की शर्मनाक हार के बाद डेविड वार्नर ने उड़ाया भारत का मजाक, कह दिया कुछ ऐसा जैसे सुनकर आपका भी दिल दहल उठेगा। जी हाँ दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत के साथ चैंपियन बन गई है, जिसके बाद डेविड वार्नर का बयान सामने आया है। इस बीच डेविड वार्नर ने चैंपियन बनने के बाद भारत का मजाक उड़ाया है और भारत का मजाक उड़ाते हुए एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आपका भी दिल दहल उठेगा। तो आखिरकार ऑस्ट्रेलिया की जीत के बाद डेविड वार्नर ने भारत का मजाक उड़ाते हुए क्या कुछ कहा, ये तो आपको बताएंगे ही। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और डेविड वार्नर में से कौन है इस क्रिकेट जगत का सबसे खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, सीनियर स्तर पर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 फाइनल और वनडे विश्व कप 2023 फाइनल में भारत को हराने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया ने जूनियर स्तर पर भी भारतीय फैंस का दिल तोड़ दिया है। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के बेनोनी में खेले गए अंडर 19 विश्व कप के फाइनल में टीम इंडिया को 79 रन से शिकस्त दी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर में 7 विकेट पर 253 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय टीम 43.5 ओवर में 174 रन पर सिमट गई। एक साल के अंदर कंगारुओं ने तीसरी बार भारतीय टीम का विश्व कप जीतने का सपना तोड़ दिया है। पिछले साल जून में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हराया था। फिर पिछले साल 19 नवंबर को कंगारुओं ने भारतीय टीम को वनडे विश्व कप के फाइनल में शिकस्त दी थी। 85 दिन बाद कंगारू ने तीसरी बार टीम इंडिया को किसी खिताब मुकाबले में हराया है, जिसके बाद डेविड वार्नर ने भारत का मजाक उड़ा दिया है। जिसमें डेविड वार्नर ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ फाइनल मैच में जीतने का प्रयास ही नहीं किया है। जिस प्रकार से भारतीय टीम ने इस मैच के अंदर खेला है, उसके बाद तो स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय टीम के पास इस समय बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद नहीं है और भारतीय टीम सिर्फ फाइनल मैच में खेलने के लिए आई थी, न कि जीतने के लिए। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के लिए अगर अंडर 19 युवा खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करते तो शायद भारतीय टीम इस मैच में जीत दर्ज कर सकती थी, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने फाइनल में प्रदर्शन किया है, उसके दम पर तो कोई भी टीम मैच नहीं जीत सकती है। मेरा मानना है कि जिस प्रकार से भारतीय टीम ने प्रदर्शन किया है, उसको सुधार की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इस मैच के अंदर कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं था जिन्होंने भारतीय टीम के लिए जिम्मेदारी वाला कार्य करके दिखाया हो। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के पास इस समय काफी ज्यादा बेहतरीन गेंदबाज मौजूद हैं, साथ में सबसे खतरनाक बल्लेबाज भी मौजूद हैं, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय टीम ने आज ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ घुटने टेके हैं, उसके बाद मैं काफी ज्यादा खुश हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि अब ऑस्ट्रेलिया की टीम से बेहतर टीम पूरे क्रिकेट जगत में कोई भी नहीं है और भारतीय टीम सिर्फ पैसे के मामले में सबसे ऊपर है। वास्तविकता में देखा जाए तो भारतीय टीम से काफी ज्यादा बेहतर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की टीम खेल रही है। ऐसे में अब हमारी ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ किसी को भी जीत दर्ज करने के लिए काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन आज भारतीय टीम को उसकी औकात दिखाकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ऑस्ट्रेलिया की टीम को इस मैच में किस खिलाड़ी के दम पर जीत मिली है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को बेहतर बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल मैच में राज और नमन तिवारी की शानदार गेंदबाजी के बाद आया कंगारू गेंदबाजों का तूफान। जी हाँ दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए अंडर 19 के फाइनल मैच में भारतीय गेंदबाज राज और नमन तिवारी की शानदार गेंदबाजी के बाद कंगारू गेंदबाजों ने मैदान पर ऐसा तहलका मचाया जिसके चलते भारतीय टीम बैकफुट पर लौट आई। तो आखिरकार कैसे भारतीय गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी के बाद कंगारू गेंदबाजों ने तहलका मचाया, ये तो आपको बताएंगे ही। साथ में इस रोमांचक मैच के रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल मैच में हार का सबसे बड़ा कारण क्या रहा है? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच साउथ अफ्रीका के बेनोनी शहर के विलो मोरे पार्क क्रिकेट स्टेडियम पर खेला गया, जहां पर इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ह्यूज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और गेंदबाजी करने के लिए भारतीय टीम को आमंत्रित किया। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत हैरी और सैम ने की, भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत राज ने की और इस दौरान पहले ओवर में मात्र एक रन आया। हालांकि दूसरे ओवर में तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली, लेकिन इस बीच 16 रन के स्कोर पर राज ने तीसरे ओवर में भारत को पहली सफलता दिलाई। इस दौरान उन्होंने बल्लेबाज सैम को 8 गेंद पर बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान ह्यूज मैदान पर आए और कप्तान ने हैरी के साथ मिलकर टीम को संभाला। बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करते हुए 78 रन की बड़ी साझेदारी की। इस बीच पावर प्ले में 45 रन एक विकेट के नुकसान पर विरोधी ऑस्ट्रेलिया ने बनाए, लेकिन इस बीच 21 ओवर में नमन तिवारी ने कप्तान ह्यूज को 66 गेंद पर 5 चौकों की मदद से 48 रन बनाने के बाद मुशीर खान के हाथों कैच आउट कराए और बल्लेबाजी करने हरजत सिंह आए। इस बीच नमन तिवारी ने 23 ओवर में हैरी को अभिषेक के हाथों कैच आउट कराया, तो इस दौरान 56 गेंद पर 3 चौके एक छक्के की मदद से 42 रन का योगदान दिया।
भारत बल्लेबाजी करने रियान मैदान पर आए। हालांकि 99 रन पर 3 विकेट गिर जाने के बाद रियान ने हरजस को टीम को संभाला और 66 रन की साझेदारी की। इस बीच 35 ओवर में राज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए रियान को 25 गेंद पर 2 चौकों की मदद से 20 रन बनाकर LBW आउट किया और बल्लेबाजी करने के लिए ओलिवर मैदान पर आए। 37 ओवर में हरजस सिंह ने अपना अर्धशतक पूरा किया और इसके तुरंत बाद अपना विकेट भी दे दिया, जहां पर स्वामी पांडे ने हरजस सिंह को 38 ओवर में 64 गेंद 3 चौके 3 छक्के की मदद से 55 रन बनाकर LBW आउट किया और बल्लेबाजी करने मैकमिलन आए, जो कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और 8 गेंद पर मात्र 2 रन बनाकर मुशीर खान की गेंद पर 40 ओवर में कॉट एंड बोल्ड हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने चार्ली एंडरसन आए, जिन्होंने थोड़ी देर तक टीम को संभाला, लेकिन 46 ओवर में राज के द्वारा 18 गेंद पर 1 छक्के की मदद से 13 रन बनाकर LBW आउट होकर पवेलियन को लौटे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए टॉम मैदान पर आए, जो 13 गेंद पर 8 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं ओलिवर 43 गेंद में 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 46 रन बनाकर नाबाद रहे और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 253 रन 7 विकेट के नुकसान पर बना दिए। तो वहीं राज ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिया और नमन तिवारी को 2 विकेट मिले। स्वामी पांडे और मुशीर खान को 1-1 सफलता मिली है। हालांकि 254 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने आदर सिंह और कुलकर्णी की सलामी जोड़ी मैदान पर आई। वहीं गेंदबाजी की शुरुआत वाइडलर ने की, जिन्होंने मैडन ओवर के साथ एक शानदार शुरुआत की। वहीं दूसरे ओवर में 1 रन के साथ आदर्श ने अपना और अपनी टीम का खाता खोला। वहीं तीसरे ओवर में विडलर ने 3 रन के स्कोर पर भारतीय टीम को पहला झटका दे दिया, जहां पर उन्होंने बल्लेबाज कुलकर्णी को विकेट कीपर के हाथों कैच कर आउट कराया और इस दौरान कुलकर्णी 6 गेंद पर 3 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने मुशीर खान आए। हालांकि चौथे ओवर में 0 रन के स्कोर पर उनका कैच हैरी ने छोड़ दिया। इस बार मिले जीवनदान का फायदा मुशीर खान ज्यादा देर तक नहीं उठा पाए और बड़ी पारी खेलने में असमर्थ रहे। हालांकि उन्होंने थोड़ी देर तक टीम को संभाला और पावर प्ले की समाप्ति तक 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर भारत ने बनाए। वहीं 13 ओवर में वियरने ने 40 रन के स्कोर पर भारत को दूसरा झटका दिया। इस दौरान उन्होंने 37 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी को तोड़ते हुए मुशीर खान को क्लीन बोल्ड कर दिया और इस बीच मुशीर खान ने 33 गेंद पर 3 चौकों की मदद से 22 रन का योगदान दिया और अब टीम को संभालने के लिए कप्तान उदय मैदान पर आए, जहां पर 15 ओवर में 50 रन का आंकड़ा भारतीय टीम ने पार कर लिया। लेकिन इस बीच 17 ओवर में 55 रन के स्कोर पर बियर्डमैन ने भारत को तीसरा झटका दे दिया। इस दौरान उन्होंने कप्तान उदय को 18 गेंद पर 8 रन बनाने के बाद विरोधी कप्तान ह्यूज के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए सचिन दास आए, जिन्होंने कुछ खास कमाल नहीं किया पर 8 गेंद पर 1 चौके की मदद से 9 रन बनाकर 20 ओवर में मैकमिलन की गेंद पर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट होकर अपना विकेट दे दिया। जिसके बाद अब बल्लेबाजी करने प्रियांशु मोलिया मैदान पर आए, लेकिन इन्होंने भी कुछ खास कमाल भारतीय टीम के लिए नहीं किया और 25 ओवर के अंदर एंडरसन के सामने 21 गेंद पर मात्र 9 रन बनाकर विडलर के हाथों कैच आउट हुए। जिसके बाद बैटिंग करने अवनीश आए, इन्होंने काफी ज्यादा निराश किया और 2 गेंद पर बिना खाता खोले गेंदबाज मैकमिलन की गेंद पर 26 ओवर में कॉट एंड बोल्ड होकर पवेलियन को लौट गए और अब बल्लेबाजी करने अभिषेक आए और इसी के साथ 28 ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम ने 100 रन 5 विकेट के नुकसान पर बनाए और जैसी बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी उसे देखकर लग रहा था कि भारतीय टीम इस मैच में 200 रन पर ऑल आउट हो जाएगी और मैच को हार जाएगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस मैच में भारतीय टीम की हार के असली गुनहगार कौन रहे, अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली और रोहित शर्मा को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल मैच में हार के बाद टूटा भारतीय दिग्गजों का दिल, ऑस्ट्रेलिया पर बेईमानी का आरोप लगाकर किया सभी को हैरान। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम को फाइनल मैच में हार का सामना करना पड़ा है, इसके बाद हर कोई निराश हो गया है। इस बीच भारतीय अध्यक्षों ने ऑस्ट्रेलिया की टीम पर बेईमानी के गंभीर आरोप लगाए हैं, जहां पर गौतम गंभीर, सचिन तेंदुलकर से लेकर महेंद्र सिंह धोनी, सुनील गावस्कर ने एक ऐसा बयान जारी किया है जिसको सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिर ऑस्ट्रेलिया के चैंपियन बनने के बाद भारतीय दिग्गजों ने क्या कहा, ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इस मैच में भारत की हार का सबसे बड़ा कारण क्या रहा, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए फाइनल मैच में भारतीय टीम के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीत दर्ज की है। दरअसल इस मैच के अंदर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए 253 रन 7 विकेट खोकर बना दिए और उसका पीछा करने उतरी भारतीय टीम 43.5 ओवर में 174 रन पर ऑल आउट हो गई और इस मैच को 79 रन से हार गई और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम तीसरी बार चैंपियन बन गई। तो वहीं इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की बेईमानी पर भी काफी सामान उठे, जहां बल्लेबाज सचिन को गलत तरीके से 9 रन पर आउट दिया गया। ऐसे में भारतीय टीम को बेईमानी से फाइनल हराने के बाद भारतीय दिग्गजों ने बड़ा बयान जारी कर दिया है, जिसमें सुनील गावस्कर ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल मैच में हार का सामना किया है, जिसको देखकर मैं काफी ज्यादा निराश हूं, क्योंकि मुझे भारतीय टीम की जीत देखनी थी, क्योंकि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को अगर हरा देती तो शायद वर्ल्ड कप 2023 की हार का गम थोड़ा बहुत कम हो जाता, लेकिन यहाँ पर भारतीय टीम ने हार के साथ और भी ज्यादा दिक्कत करोड़ों देशवासियों को दे दी है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम को बेईमानी के चलते जीत मिली है, क्योंकि हमारी टीम के बल्लेबाज सचिन गलत तरीके से आउट थे, अगर वो आउट नहीं होते तो शायद मैच का रिजल्ट कुछ और होता और भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत गई होती। तो वहीं सचिन तेंदुलकर ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल मैच को जीतने का पूरा प्रयास किया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ हमारी टीम जीत दर्ज करने में असफल रही,
लेकिन इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम की बेईमानी के कई सबूत देखने को मिल रहे हैं, जिसको देखकर मुझे एम्पायर पर काफी ज्यादा शक हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम को सपोर्ट करते हुए एम्पायर ने कई बड़े फैसले लिए, साथ में बल्लेबाज सचिन दास को भी गलत तरीके से आउट दिया। अगर वो खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए बेहतर बल्लेबाजी करते हुए थोड़ी देर तक खेल लेता तो मैच भारत के पक्ष में हो सकता था, लेकिन यहां ऑस्ट्रेलिया टीम को बेईमानी के चलते जीत मिली है। तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने बयान देते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ फाइनल मैच में भारतीय टीम को जीत दर्ज करने का मौका नहीं मिला है। हालांकि भारतीय टीम ने जीतने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन बेईमानी के चलते ऑस्ट्रेलिया की टीम को जीत मिल गई है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अंपायर के साथ मिलकर साजिश के चलते भारतीय टीम को परेशान किया है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाज सचिन पूरी तरीके से नॉट आउट थे, लेकिन उनको जानबूझकर आउट दिया गया, जो दर्शाता है कि अंपायर ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर मिलीभगत की है। अगर यहां पर DRS सिस्टम होता तो शायद भारतीय टीम को जीत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन बेईमानी के चलते भारतीय टीम इस मैच को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार गई। तो वहीं गौतम गंभीर ने बयान देते हुए कहा है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ भारतीय टीम को चैंपियन बनने का मौका नहीं मिला है। मैं चाहता था कि भारतीय टीम इस बार ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराकर नवंबर की याद को ताजा ना करे। हमारी भारतीय टीम के पास इस समय काफी ज्यादा बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं और उन्हीं के चलते भारतीय टीम मजबूती हासिल कर चुकी है और फाइनल मैच में पहुंच गई, लेकिन भारतीय टीम के सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम को बेईमानी के चलते जीत मिली है, जिसको देखकर मैं काफी ज्यादा निराश हूं। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाज सचिन नॉट आउट थे, अगर उनको जीवन दान मिलता तो शायद मैच का रुख कुछ और हो सकता था और भारतीय टीम वर्ष ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आराम से जीत दर्ज कर सकती थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ऑस्ट्रेलिया की टीम इस मैच में बेईमानी के चलते जीत दर्ज कर पाई है या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।